भारत में कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अपने घटिया प्रदर्शन या आरोपों के चलते सस्पेंड होने के डर से देश में चल रहे विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन देने के नाम पर इस्तीफा देने लगे हैं। जी मीडिया कंपनी में कार्यरत नासिर आजमी के बाद अब पंजाब के DIG लखमिंदर सिंह का नाम सामने आया है। DIG लखमिंदर सिंह जाखड़, जो पंजाब के जेलों के DIG थे, उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया और उसके पीछे उन्होंने किसानों पर हो रहे कथित अत्याचारों का हवाला दिया। न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार जाखड़ का कहना है कि वे अब किसानों के साथ आंदोलन करेंगे। ANI की रिपोर्ट के अनुसार जाखड़ ने कहा कि मैं अपने किसान भाइयों के साथ खड़े होने के मेरे विचार के बारे में सूचित करना चाहता हूँ, जो कृषि कानून का शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं। पंजाब के DIG जाखड़ ने पंजाब सरकार को अपना इस्तीफा भेज दिया है, हालांकि सरकार ने अभी इसे मंजूर नहीं किया है। ANI के अनुसार अपने पद से इस्तीफा देने के बाद जाखड़ ने कहा, किसान लंबे समय से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं, किसी ने उनकी समस्याओं को नहीं सुना। मैं एक अनुशासित बल से हूँ और नियमों के अनुसार मैं ड्यूटी पर होने पर विरोध का समर्थन नहीं कर सकता। मुझे अपनी नौकरी के बारे में पहले तय करना है, फिर आगे की कार्रवाई तय करनी है। लेकिन क्या जाखड़ साहब इतने ही न्यायप्रिय हैं जितना कि वे दावा कर रहे हैं? दरअसल उनका इस्तीफा ही एक कारण नहीं है। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट बताती है कि जाखड़ को घूस के आरोप में कुछ महीनों पहले निलंबित कर दिया गया था। उन पर जेल अधिकारियों से महीने के हिसाब से रुपए लेने के भी आरोप हैं। दरअसल लखमिंदर सिंह जाखड़ नौकरशाहों की उस टोली से संबंध रखते हैं जो निष्पक्ष होने का दावा तो खूब करते हैं, लेकिन वास्तव में एक विशेष पार्टी की नीति के विरुद्ध लिए गए निर्णयों के विरोध में इस्तीफा तक देने को तैयार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जी मीडिया कंपनी में कार्यरत नासिर आजमी नामक एक शख्स को ही देख लीजिए। नासिर आजमी ने फेसबुक और ट्विटर पर 22 दिसंबर को एक पोस्ट डाली थी जिसमें उसने लिखा कि वह जी मीडिया को त्यागपत्र दे रहा है क्योंकि चैनल ने CAA, JNU, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी और कन्हैया को लेकर भ्रामक खबरें फैलाई थी। उसने अपने आप को मुस्लिमों के मसीहा की तरह पेश करते हुए बताया था कि उसने नैतिकता के नाम पर जी मीडिया के 6 चैनलों से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। जब थोड़ा रिसर्च किया गया तो पता चला कि अपने प्रदर्शन के कारण वो 3 महीने के नोटिस पीरियड पर था, परंतु अपने प्रदर्शन में सुधार की बजाय उसने इस्तीफा दिया और अपने बुरे प्रदर्शन को क्रांति में बदलने का दाव चला था। ऐसे ही के गोपीनाथन नामक IAS अफसर ने अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और नागरिकता संशोधन अधिनियम के पारित होने के विरोध में इस्तीफा दे दिया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद जनाब कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आए। ऐसे में लखमिंदर सिंह जाखड़ का इस्तीफा अपनी धूमिल छवि को चमकाने का ठीक वैसा ही प्रयास है जैसे कि लाइमलाइट में वापस आने के लिए पूर्व मुक्केबाज विजेंद्र सिंह द्वारा कांग्रेस काल में दिया गया राजीव गांधी खेल रत्न भाजपा शासित केंद्र सरकार को लौटाना था।